हरे हरे चूड़ियां। चाय सुनो, कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? अगर मुझे इसमें कुछ मिलाना होता ना तो पहले अपने लिए मिलाती। पछता रही हो? पछताने का अख्तियार नहीं है मेरे पास, सिर्फ निभाने का है। Really, I appreciate it. लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने इस रिश्ते को किस तरह से निभाया। अच्छा, आपने भी निभाया है? जबान में बड़ी कड़वाहट आ गई है जब से अली से मिली हो तुम। मेरे जाने के बाद वो रोज आता था। वो आपके जाने के बाद कभी भी नहीं आया। सच? मैं सच कह रही हूँ अकार। सच तो तुम हमेशा बोला करती हो मुझसे, और अगर तुमने सच बोला होता तो आज हमारी जिंदगी आजाद नहीं होती। हिजर की आगनी वसल की है चांदनी में रोई मेरी कहकशां, कौन जाने कहां किस गली के मोड़ पर है टूटी हरी चूड़ियां। हरी हाय। हरी चूड़ियां जी। आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कल मैंने आपका गाना सुना था। वैसे अच्छी बात नहीं होती किसी की इजाजत के बगैर उसका गाना सुनना। ये क्या बात हुई, कानों में आती हुई आवाज कोई रोक तो नहीं सकता ना? हाँ, तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे वाह, आप बुक्स पे पढ़ते हैं, आप क्या कुछ हैं भाई, I'm highly impressed. सिंगर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बुक रीडर भी हैं, वाह भाई। ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त की हैं। अच्छा, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये किताबें पढ़ेंगे? आपको नहीं लगता कि आप यूं ही मतलब थोड़ा सा ज्यादा बोलती हैं? एनीवे, आप अपना नाम तो बताएं ना प्लीज। आई थिंक बहुत देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। जुनैरा। Very nice name, Zunaira. Beautiful name. Take care. मैं वो पीछे वाले होटल में रहती हूँ। अच्छा, ओके। ढूंढ लीजिएगा। Beautiful होटल। आप अपना नाम तो बताते जाएं। अली हाशिम। अली हाशिम। How cute. अली हाशिम। अली हाशिम। कितना cute है। मामा। शुजात को फोन करके बताओ कि भतीजी का रिश्ता तय हो रहा है, उसके लिए में ये बात होनी चाहिए। बता दूंगा माँ। क्या बात है फसाद, कोई बात है तो कह दो। बस अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर भाईजान शादी में आए तो वकार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वकार? बाप बेटे में नाराजगी सारी उम्र चलेगी क्या? अब तक तो चल रहा है ना झगड़ा अम्मा, बल्कि वकार को तो लगता है कि हमारी गलती है। वो ये सोच रहा है कि हमने रोका क्यों नहीं भाईजान को शादी से। अरे बेटा, शुजात ने दूसरी शादी कर ली तो क्या हुआ, इसमें क्या बुराई है? अल्लाह बख्शे सलमा को, जब तक वो जिंदा थी तब तक तो उसने नहीं की थी ना कोई दूसरी शादी। एक बार वकार आ ले मैं उसे समझाऊंगी, अगर शुजात ने शादी कर ली तो क्या जुर्म किया। खुदा बख्शे सलमा को, क्या सारी उम्र उसकी सोग में बैठा रहेगा? अम्मा बेटा है ना, बस नहीं अच्छा लगा उसे। अगर ये काम बकार को बताकर कर लेते ना तो क्या बुरा हो जाता। अब जो बेटा हो चुका सो चुका, फिलहाल शुजात को समझाओ कि माहिन की शादी है, अगर हो सके तो आए। ठीक है अम्मा, बता दूं। उसे बताओगे तो माहिन के जहेज की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेगा।
एक से एक चीज बनाएगा महिन के लिए। जी जी अम्मा। खुदा खुश रखे मेरे शुजात को, कोई भी मौका पीछे नहीं रहता, दिल खोलकर खर्च करता है। जी अम्मा, एहसास है मुझे। बहुत एहसान है शुजात के सब पर और इस घर पर। जी अम्मा। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ नहीं अम्मा, आप आराम करें, मैं कर लूंगा बात भाईजान। उसे मजबूर करना, शादी पर जरूर आए। जी अम्मा करूंगा। मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आया हूँ, अब तुमने रोज अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है साहब। अरे साहब बाप क्या होता है, भाई कहा करो मुझे, अली भाई। नहीं हम भाई नहीं कहेगा, गुल मकई खाला से शिकायत लगाएगा कि हमने किसी को भाई कहा है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है गुल खान? खाला कहता बिला वजह किसी से रिश्तेदारी नहीं बना लो। कोई हाल नहीं है तुम्हारा गुल खान। अच्छा अब चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए किताबें लेके आता हूँ। एक सेकंड। ये लो। ये किताब है। क्या हुआ? ये किताब है तो हमने पढ़ा हुआ है। चलो स्कूल में चौथी जमात तक पढ़ा हुआ है हम। गुल खान ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुमने तो कहा था कि तुम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो। आपने पूछा ही नहीं। हाँ मेरी गलती है भाई, मैं भूल गया था कि तुम गुल खान हो। अच्छा खैर एनीवेज, आज तो जान छूट गई है तुम्हारी, लेकिन कल इसके बाद की किताबें लेके आऊंगा मैं, और कोई बहाना नहीं मानूंगा। चलो ठीक। चलो कोई बात नहीं। तुमको देखने से पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब हो गई है। मामा को बहुत जल्दी थी और मैं हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज बना रहता था, लेकिन गलती करता था। ठीक कहते हैं आप, आप आंटी को बोल देते, वो आपको मेरी जगह कोई और लड़की दिखा देती। मैं तो वैसे भी अभी पढ़ रही हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी ना किसी काम में कोई ना कोई तो मसला जरूर होती है। वैसे एक बात बताओ। जी बताएं। मुझे तुमसे मोहब्बत है। होनी भी चाहिए। क्यों? अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ और आपकी शादी के लिए हाँ करती हूँ, तो जो इंसान को अच्छा लगता है उससे मोहब्बत भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि तुमको भी मुझसे मोहब्बत हो गई? मुझे क्यों होने लगी भला? क्योंकि तुम्हें तो मुझे पसंद करती हो। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, यही हो। यहाँ कहाँ? मुझे तंग मत करें आप। क्यों ना करूं? अगर आप मुझे तंग करेंगे ना तो मैं फोन बंद कर दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं करूंगा। अच्छा ये बताओ हम कब मिल सकते हैं? कहाँ? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं नहीं, शादी से पहले नहीं, अच्छा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? आप मुझसे मिल रही हैं और कल मैं आपको फोन करके बताऊंगा, बस दैट्स इट। अब लेकिन काश। लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। ओके बाय। काका तो ये क्या हो गया? ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है। दरवाजा बंद करके क्या बात हो रही थी अंदर? अरे दरवाजा तो गलती से बंद हो गया था। खौफ आता है मुझे फसाद जब अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद होता है, इसलिए कि जब भी अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद होता है ना, फिर जो उस कमरे में फैसले होते हैं
उससे हमेशा इस घर को बहुत नुकसान पहुंचा। अरे कोई खास बात नहीं है भाई, वो अम्मा चाह रही थी कि मैं भाईजान को वाहिन की शादी के बारे में आगाह कर दूं। कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं बुलाना। पागल हो गई क्या तुम सुरैया? हाँ फसा, मैंने बस आपको कह दिया, ना तो हमें उनकी किसी माली मदद की जरूरत है और ना ही उनकी शमूलियत। ये तुम इतनी मुतनफिर क्यों हो गई उनसे? क्या किया उन्होंने? खुद कनाडा चले गए क्योंकि मेरी बेटी को उन्होंने बेयारो मददगार अपने बेटे के सहारे छोड़ दिया। वकार एवन का शौहर है, मजाजी है, खुदा है उसका। हमने अपनी बेटी वकार को दी थी क्योंकि वो शुजात भाईजान का बेटा है, लेकिन जब उसने अपने बाप से ही ताल्लुक तोड़ दिया तो हमारी बेटी की क्या वक्त होगी उसकी नजर में? कभी सोचा है आपने? मैंने नहीं बुलाना है। वर्क इज गोइंग रियली वेल, तुम सेटिस्फाइड हो नाली? जब रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं तो काम तो अच्छा होगा ही ना। गुड गुड, तुम्हें ऐसे ही तो मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं दिलवाया है। आफ्टर ऑल तुम रिश्तेदार हो, तो मेरा काम अपना काम समझ के ही करोगे। डोंट वरी। अरे यार, आई फॉरगेट एवरी टाइम, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं सोचता हूँ तुमसे कहूँगा लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ। किसी दिन आओ ना हमारे घर डिनर पे। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? कम ऑन अली, तुम एमन की खाला के बेटे हो, इस तरह अजनबियों की तरह बातें नहीं करो। यू हैव टू कम, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। वैसे चले मैं चक्कर लगाऊंगा किसी दिन, लेकिन प्लीज ये खाने का तकल्लुफ रहने। जब एमन को जाके मैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस के बारे में बताऊंगा तो बहुत हर्ट होगी वो। So I'm telling you, you have to come. ऐसी बातें ना करो। Okay? Okay. Yeah, so let's do dinner around 7 tomorrow. ठीक है? तुमने घर तो देखा हुआ है ना हमारा? Yeah? I'll expect to see you. Okay? Good job, by the way. Thanks. ये देखो कितना प्यारा डिजाइन है ना, और तुम पर कितना सजेगा ये। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है गुड्डी बाजी। बस मैं फौरन बनवा लूंगी अब इसे। ठीक है। अरे कॉल आ रही। किसकी है? वही जिन्हें शादी तक चैन नहीं आ रहा। काशाल जी, तो सुन लो ना, तुमने कितनी बार बात करूं गुड्डी बाजी, मोहब्बत में तो ये सब कुछ होता है, बार बार बात करनी पड़ जाती है। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को इस डिजाइन के बारे में बता कर आती हूँ, अगर उन्हें पसंद आ गए ना तो ले लेंगे। माहिन, ये बहुत गलत बात है। इतना तो मेरा हक बनता है यार कि कहीं हम बाहर बैठ के एक कप चाय पी लें। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तुमसे मिलना है बस। हेलो काशान, आई एम सो सॉरी। माहिन यहाँ पे नहीं थी तो मैंने फोन अटेंड कर लिया। जी, आप को कौन? मैं उसकी गुड्डी बाजी बात कर रही हूँ, तुम भी मुझे गुड्डी बाजी बुला सकते हो। सॉरी, वो मैं तो बस ऐसे ही। अभी तो तुम बहुत हक जता रहे थे माहिन पर और अब घबरा रहे हो। I'm really sorry. अच्छा काशान, तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। ये सच है कि तुम मुझे नहीं जानते ना मेरे बारे में कुछ जानते हो, लेकिन मेरे लिए माहिन और एमन दोनों बिल्कुल मेरी छोटी बहन है, और मैं इनकी बड़ी बहन की जगह होने के नाते तुमसे सिर्फ एक चीज की गुजारिश करना चाहती हूँ कि तुम माहिन को बहुत खुश रखना। रखोगे ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। चलो अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।
जी जी बैठो। तुम्हारे लिए आज मेरे पास एक खुशखबरी है, कोई तुमसे मिलने आने वाला है। कौन? कोई है स्पेशल। अब्बू? ताया जी आ रहे हैं? नहीं, तुम्हारा आशिक अली, उसको मैंने खाने पे बुलाया। अली आ रहा है? आपने उसे हमारे घर बुलाया वकार? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे का रंग और आंखों की चमक उसके सामने कैसी होती है। किस किस्म के शौहर हैं आप? शायद तुम बेगैरत कहना चाह रही होगी, क्योंकि एक बेगैरत मर्द ही अपनी बीवी के आशिक को खाने पर बुला सकता है। एक्चुअली बेगैरत नहीं हूं मैं, बेबस हूं कि मेरी बीवी मेरे होते हुए किसी और से प्यार करती है। अरे भाई, इतना कुछ खिलाती रहती हो, मुझे तो तुम पहलवान बना दोगी। हाँ, इतने कमजोर से हो गए हैं आप, और वैसे मेरा दिल कुछ खाने को करेगा तो मैं अकेली खाऊं। ग्वाल मंडी से लेके आई हूँ सब, आपको पसंद आएगा। ओहो, अब ग्वाल मंडी का नाम ले लिया तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। वैसे नजमा बेगम, मैं एक बात सोच रहा था कि जब से रिटायर हुआ हूँ हर वक्त घर में ही पड़ा रहता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं घर में पड़ा पड़ा बीमारी हो जाऊँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। माशाल्लाह से सुबह शाम वॉक करते, अभी भी वेद मुराद से कम नहीं लगते। आदावर से है, क्या याद करा दिया जालिमा। याद है वो शादी के बाद हम पहली बार जेबा वहीद मुराद की फिल्म देखने गए थे, और वापसी में मैंने तुम्हें कहा था कि जेबा बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती है। और मैंने कहा था आप भी बिल्कुल वहीद मुराद लग रहे है। इतनी जल्दी वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। गुजर गया तो क्या हुआ, हमारी मोहब्बत तो कम नहीं हुई ना। बस आप परेशान नहीं हुआ करें। वो तो ठीक कहती हो तुम, लेकिन फिर भी इंसान के पास मसरूफियत की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना। मसरूफियत बड़ी है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है हम दोनों ने। क्या मतलब? यही कि बस अली को राजी करें शादी के लिए, बहुत शौक मना लिया उसने इमन का। यही तो मसला है, वो नहीं मानता। जब हम दोनों जिद करेंगे ना तो मान जाएगा। वो जिद कर सकते तो हम नहीं कर सकते, हम भी तो उसके माँ बाप हैं। चलो, आएगा तो बात कर लेंगे। भाई आए ना आए, आप बुला ले उसे यहाँ। अब हथेली पे सरसों ना जमाओ नजमा बेगम, पहले कोई लड़की तो देख लो। वो राजी हो जाए, लड़कियाँ बहुत है मेरे पास। सुभान अल्लाह, वो एक लड़की के लिए राजी नहीं हो रहा, तुमने बहुत सारी तलाश करके रखी हुई है। आप ऐसे नहीं किया करे ना, मेरा मतलब है वो राजी हो जाए, जिस लड़की को बोलेगा ना उससे बात कर लेंगे। उसे तो फिर कोई अच्छी नहीं लगेगी। देखा देखा, आप भी साइड लेने लग जाते हैं उसकी। ना वो हमारे पास बैठा हुआ है, सुन रहा है कोई मेरी बातें? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, इंसान अपनी जिंदगी में किसी खास इंसान की जगह किसी दूसरे को नहीं दे सकता। जानती हूँ मुश्किल होता है ये काम, पर नामुमकिन नहीं होता। अच्छा अच्छा, तुम अब परेशान ना हो, आएगा तो मैं बात कर लूंगा उसे। आप फोन पे बात कर लेना। हद हो गई भाई, फोन पे मैं उसे आने का तो कह सकता हूँ, शादी की बात करूंगा तो वो भी तक जाएगा, आएगा ही नहीं। ये तो ठीक कह रहे हैं। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो इस बात पे इनाम तो होना चाहिए ना। ये केक का आखिरी वाला पीस दो ना मुझे, तुम्हें पता मुझे यही अच्छा लगता है। चल मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ।
और ये बन प्लास्टर कौन खाएगा जो लिबर्टी से लाई थी? और लेना बीवी हो तो आप जैसी खाते हैं नहीं बातें ऐसी इतनी। हरे हरे चूड़ियां, हरे हरे चूड़ियां। बेगम साहब। गुलखान तुम अब तक गए नहीं? सारे काम हो चुके हैं, बाकी मैं देख लूंगी, तुम जाओ। कोई बात नहीं है बेगम साहब, हम रुक जाएगा आप कहता है तो, मेहमानों के जाने के बाद चला जाएगा। नहीं बहुत रात हो जाएगी, अंधेरे में अकेले मत जाना, तुम चले जाओ, बाकी सारा काम मैं कर लूंगी। साहब का कोई खास मेहमान आ रहा है? हाँ गुलखान तुम सही कह रहे हो, साहब का कोई खास मेहमान आ रहा है, रुक जाओ तुम, रुक जाओ। नहीं गुलखान तुम जाओ, मैं कर लूंगी काम। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ साहब। खुदा हाफिज़। एक बात मानोगी मेरी? कहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम आज बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, कुछ अच्छा सा पहनो। इसकी कोई जरूरत नहीं है वकार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब वो आए तो ही सीज अस एज द हैप्पीएस्ट कपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, अगर मेरे तैयार होने से आपकी आना को तस्कीन मिलेगी तो मैं जरूर तैयार होंगी। वेरी गुड, जाओ जाके तैयार हो जाओ। खाला के बेटे हो, इस तरह अजनबी की तरह बातें नहीं करो। यू हैव टू कम, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। जब हेमंत को जाके मैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस के बारे में बताऊंगा तो बहुत हर्ट होगी। सो आई एम टेलिंग यू हैव टू कम, ऐसी बातें ना करो। ओके गुलखान, इधर आओ, यहाँ आओ। पढ़ने क्यों नहीं आए? वो आज काम पे देर हो गया था हमको। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, उधर साहब का कुछ मेहमान आ गया था, इसी वजह से देर हो गया। और कल? कल तो कोई बहाना नहीं करोगे? नहीं, टाइम पे आएगा। चलो ठीक है। अच्छा अली भाई, आज तुम कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं नहीं परेशान नहीं हूं मैं, वो बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा है यार? किसी ने दावत पे बुलाया, सोच रहा हूँ कि ना जाऊं। अगर वादा किया है तो जरूर जाओ, वरना तुम्हारा मेजबान तुमको झूठा समझेगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है फिर मैं जरूर जाऊंगा। चलो ये अच्छा, अच्छा हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत खूबसूरत लग रही हो।
अली तो तुम्हें देखकर अपने होश खो बैठे थे। मैं अली के लिए तैयार नहीं हुई वकार, आपके कहने पर हुई हूं। एक ही बात है स्वीटहार्ट, तुम्हारे हाथ क्यों इतने खाली हैं? तुमने अपनी फेवरेट चूड़ियां नहीं पहनी? हरी हरी ड्रेस कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रहा था, इसलिए नहीं पहनी, अच्छी नहीं लगती ना। मगर आपको तो बहुत अच्छी लगती है ना वो चूड़ियां, पहन लो। मैं देखता हूं वो आ गया। आओ अली। थैंक यू, तुम टाइम पे आ गए, क्योंकि मैं वक्त पे खाने का आदी हूँ। हैव अ सीट। नहीं, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक मैं लेट हो गया हूँ। अरे वैसे यू गेव मी अ फेवर लेट आकर। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एमन ने अभी अभी खाना तैयार किया था, अगर तुम पहले आ जाते और खाना तैयार नहीं होता तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अच्छी बात है। एमन, अली आ गया है। कैसी हो एमन? ठीक हूँ। वैसे एमन, I believe तुम्हें अपने कजन को दरवाजे पे रिसीव करने आना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि खाला को बुरा लग जाए। अली, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, मेरी बेगम किसी के लिए भी खाना नहीं बनाती। इनफैक्ट मेरे मजबूर करने पर उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ बनाया है, अदरवाइज वो तो मुझसे कह रही थी कि हम अली को कहीं बाहर ले चलते हैं। क्यों है? मैंने तो आपको कहा था कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। एनीवे, तुम खाना क्यों नहीं ले रहे हो? प्लीज खाना तो लो, तुम्हारे लिए बना है। एमन आप सर्व करें ना। जी। रोटी पास कर दोगी प्लीज? अरे अमन, ये वही इयररिंग्स है ना जो मैंने तुम्हें हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर दिए थे। जी। बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और ये क्या किया है तुमने? ये हरी हरी चूड़ियां बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं तुम्हारे ड्रेस के साथ, उतार दो इन्हें। जी उतार देती हूँ। ठहरो, मैं उतार देता हूँ। दो इधर। कांच की चूड़ियां हैं,
انسان کو زخمی کر دیتی ہے۔ بھائیوں سے فون پہ بات ہوئی ہوگی، مبارکباد دے دو۔ نہیں چاہیے ان کی مبارکباد مجھے۔ فساد میں نے آپ کو منع کیا تھا، ان سے بات مت کیجیے گا۔ ارے بابا میں نے بات نہیں کی ہے، اماں نے فون پہ بات کروائی ہے ان سے۔ وہ آئیں گے کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کروں گا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر وہ آئے تو وقار نہیں آئے گا۔ ارے بابا نہیں آئیں گے، بھائی بہنوں سے صاف انکار تو نہیں کیا جا سکتا، آسرا دے رہے ہیں اور کیا۔ آپ نے ایمن اور وقار کو بتایا یہ؟ ان کو بتایا تو تھا، تم سے کچھ کہا انہوں نے؟ کیا تھا فون میں نے، وقار نے فون لے لیا۔ میں سمجھی شاید ایمن بعد میں فون کر کے تفصیل پوچھے گی، اس کا فون ہی نہیں آیا اس کے بعد۔ فون کرتا ہوں ایمن، اب تو ہر حال میں آنا پڑے گا۔ ایمن کیا ہوا ہے تمہیں، تم اتنا کم کیوں کھا رہے ہو؟ شرمندہ کر دیتی ہو مہمانوں کو اتنا کم کھا کے۔ علی تم کہو نا اس سے کہ اپنا خیال رکھا کرے، بالکل بھی نہیں رکھتی ہے۔ Excuse me, I have to take this call. Hello? Khana, bahut acha banaya tumne. Ji uncle, ji. Aur lo na. Abhi actually ghar pe mehman aaye hain. تو میں ایمن سے کہتا ہوں کہ آپ کو بعد میں فون کر لے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ انکل کا فون تھا، کھانے کے بعد ان کو کال کر لینا۔ سب خیریت ہے؟ سب خیریت ہی ہے، مائن کی شادی ہے نیکسٹ منتھ، کہہ رہے تھے کہ تم دونوں کو ضرور آنا ہے۔ بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، ماشاء اللہ اس کے بھی نصیب اچھے پھر ہے۔ تھینک یو علی، آئی ہوپ تم ہم دونوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہو گے۔ بالکل، کیوں نہیں، کیوں نہیں یار، تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہے ہو، اتنا سب کچھ بنایا تمہارے لیے۔ تب سے تو کھا رہا ہوں، and I'm full, it was very tasty. Green tea تو پیو گے نا؟ نہیں نہیں چلتا ہوں۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، I'll show you the way out. I forgot، اپنی کزن کو خدا حافظ نہیں کہو گے؟ Why not؟ عشق کیا ہے، پاس ہو کے بھی دور دور رہنا۔ تتلیاں دل کے ہر کونے میں
उसके जाने का दुख हो रहा है। प्लीज वकार, अब बहुत हो गया, बस करें। लगता है पुराने जख्म सारे हरे हो। उसे डिनर पे बुला के आप क्या साबित करना चाहते थे? कि मुझे हासिल करके बहुत खुश है? ऐसा कुछ जाहिर नहीं कर सके, क्योंकि आपकी एक एक हरकत आपके हर कॉम्प्लेक्स को साफ जाहिर कर रही थी। वो मुझे हार के इतना बेचैन नहीं है वकार, जितने बेचैन आप मुझे जीत कर रहे हैं।